सुना ही होगा, आजकल वो एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। जब से चैट जीपीटी रिलीज हुआ है तब से वो बहुत चर्चा में है और हमारे सारे प्रोफेशनल्स जो हाई स्किल्ड एरिया के प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सबको एक ही क्वेश्चन है कि ये जो एआई है वो हमारा वर्क तो रिप्लेस नहीं कर देगा ना। तो आइए आज हम जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, किसने क्रिएट किया और वो इतना पॉपअप क्यों हो रहा है आजकल। चैट जीपीटी क्या है? तो आप सोच सकते हैं कि चैट जीपीटी एक ऐसा एआई है जिसके पास डिफरेंट फील्ड्स की सारी नॉलेज है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, और उसके पास एक चैट इंटरफेस भी है जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने टास्क के लिए। आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है या जनरेट करना है वो आप इंटरैक्ट उसके साथ, चैटबॉट के साथ कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उसे दोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी सारी नॉलेज को गैदर करेगा, उस पे एनालिसिस करेगा, वो प्रोसेस करेगा और फिर वो आपको अपना जनरेटेड कोड या कुछ भी आउटपुट, आपने जो भी इंटरैक्ट किया है, जो भी उससे मांगा है, वो आपको देगा ह्यूमन लाइक प्रोफेशनल की तरह। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक एआई आपसे बात कर रहा है, पर आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आपके साथ एक ह्यूमन प्रोफेशनल बात कर रहा है। और आगे हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी किसने क्रिएट किया है। तो चैट जीपीटी ओपन एआई ने क्रिएट किया है। ओपन एआई एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत सारे मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, चैट जीपीटी उनमें से एक है। चैट जीपीटी 3 के आने से पहले चैट जीपीटी 1 और 2 लॉन्च हो चुके हैं, ये थर्ड वर्जन है। तो जो सेकंड वर्जन था उसमें प्रॉब्लम क्या था कि जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो सभी फील्ड्स के सभी एरियाज में अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने चैट जीपीटी 3 लॉन्च किया है उसका एक अपग्रेड करके, और आगे हम देखेंगे कि चैट जीपीटी डेवॉप्स इंजीनियर के टास्क कितने ईजी कर देता है, प्लस वो कितना लेस टाइम टेकिंग है, वो कैसे आउटपुट देता है, वो कैसे आउटपुट जनरेट करके हमको देता है, कैसे इजीली और अच्छे से वो डेवॉप्स का टास्क परफॉर्म करता है और कितनी डेवॉप्स की नॉलेज है उसके पास। तो आइए देखते हैं कि पहले हम कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे। तो आज का पहला टास्क हमारा डॉकर फाइल क्रिएशन है। हम पहले तो डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे नोड.js एप्लीकेशन के लिए, फिर सेम एप्लीकेशन के लिए हम कुबेरनेटीज फाइल जनरेट करेंगे और सेम एप्लीकेशन के लिए हम CI/CD पाइपलाइन जनरेट करेंगे। तो आइए हम डॉकर फाइल जनरेट करते हैं एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैट जीपीटी में लॉगिन करेंगे। गो, फर्स्ट ही लिंक मिलेगी यहाँ पे हमें openai.com, वहाँ पे हम ट्राई चैट जीपीटी जाएंगे। अगर आप नए हैं तो आप अकाउंट क्रिएट करना, मैं लॉगिन कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। ओके, तो ये हमारा चैट जीपीटी का डैशबोर्ड है और यहाँ पे उसने बोला है कि आप कैसे क्वेश्चन उसे पूछ सकते हैं एग्जांपल्स में, फिर उसकी कैपेबिलिटीज है यहाँ पे और लिमिटेशंस है। तो अब हम हमारी डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, तो लेट्स क्रिएट अ डॉकर फाइल। ओके, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसका फ्रेमवर्क नोड.js है, हमारे पास पूरा कोड पड़ा है, पर अब हमें डॉकराइज करनी है वो फाइल, वो हमारा टास्क है, राइट। तो हम चैट जीपीटी को पूछेंगे कि हमें एक डॉकर फाइल क्रिएट करके दो नोड.js एप्लीकेशन की। लेट्स डू दैट, राइट अ डॉकर फाइल फॉर नोड.js एप्लीकेशन। आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा इससे क्योंकि आपको खुद से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, आपको पूरी डॉकर फाइल मिल जाएगी यहाँ पे। सिर्फ आपको करना पड़ेगा वो सिर्फ चेंजेस है और वो चेंजेस के लिए आपको नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या चेंज करेंगे आप अपने डॉकर फाइल में, ठीक है। तो उसने हमें डॉकर फाइल दे दी है क्रिएट करके, पूरी डॉकर फाइल, हमारा बेस इमेज, फिर वर्किंग डायरेक्टरी, फिर packet.json, फिर npm install, कॉपी और लास्ट स्टार्ट npm, ठीक है। और आगे ये वो दे रहा है कि ये फाइल क्या कर रही है, राइट।
और नोट में ऐसा दिया है कि मेक श्योर टू रिप्लेस द कमांड npm स्टार्ट विद अप्रोप्रिएट कमांड स्टार्ट योर एप्लीकेशन। मतलब ये पूरी फाइल भी दे रहा है और नोट्स भी दे रहा है आगे कि आगे हमको क्या करना है अगर हम रियली डॉकर फाइल कर रहे हैं, डॉकराइज कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन, तो हमें क्या करना चाहिए चेंजेस इसमें, वो भी सजेस्ट कर रहा है। तो चलो लेट्स डू दैट कि हम उसे पूछते हैं कि गिव कमांड्स टू बिल्ड लेट्स सी। ओके तो उसने बिल्ड का कमांड दिया है और विद एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये हाइफ़न टी क्या है और यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दिया है। ओके तो यहाँ पे उसने बिल्ड कमांड हमें दिया है। तो अगर आपको नहीं पता है कि बिल्ड कमांड क्या है तो हम वो भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन बिल्ड कमांड। तो ये जो बिगिनर्स हैं उसके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं भी पता होगा तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आप सीनियर डिवॉप्स इंजीनियर हैं तो भी ये बहुत यूजफुल है, आपका टाइम बहुत सेव होगा इससे। आप अपना जो डॉकर फाइल है या कुबरनेटीज फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट कर चेंजेस करके आप यूज कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये पूरा उसने कमांड हमें समझाया है डॉकर बिल्ड का। ओके तो अभी हमें npm की जगह पे यार्न यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि यूज यार्न इंस्टेड ऑफ npm। ओके तो यहाँ पे यान आ गया है हमारा, ने चेंज कर दिया है npm को यान में। ये बहुत यूजफुल टूल होगा, टाइम सेविंग भी बहुत है, आपको चेंजेस भी फटाफट करके देगा ये। और आगे इसने ये बोला है कि द डॉकर फाइल इज सिमिलर टू प्रीवियस फाइल बट चेंजेस क्या है कि वहां पे npm यूज हुआ था, यहाँ पे यार्न है। ठीक है तो नेक्स्ट है कि हमें हमारी सभी फाइल्स कॉपी नहीं करनी है हमारे इमेज में, तो हम सिर्फ रिलेवेंट फाइल कॉपी करेंगे। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी से कहेंगे कि कॉपी ओनली ओनली रिलेवेंट फाइल्स फाइल्स ऑफ द एप्लीकेशन, फर्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन लेट्स सी क्या आउटपुट देता है। यहाँ पे बोला है कि टू कॉपी रिलेवेंट फाइल्स ऑफ द एप्लीकेशन इन द इमेज यू कैन ऐड डॉट डॉकर इग्नोर फाइल। दैट्स ग्रेट, हम वो ही ऐड करते हैं डॉकर इग्नोर फाइल। यस यहाँ पे डॉट डॉकर इग्नोर फाइल का हमें फाइल भी दी है कि उसमें नोड मॉड्यूल्स और ये सब इग्नोर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि डॉट डॉकर इग्नोर फाइल विल एक्सक्लूड नोड मॉड्यूल्स गिट एंड DSC directories for being included in the image. That's great. तो उसने हमें यहाँ पे docker ignore फाइल दी है और यहाँ पे सिर्फ हमारा रिलेवेंट फाइल से कॉपी होगी। ओके तो नेक्स्ट हमें नहीं पता कि मल्टी स्टेज बिल्ड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूछेंगे कि वॉट इज मल्टी स्टेज बिल्ड इन डॉकर। बिल्ड इन
मल्टी स्टेज बिल्ड इज अ फीचर इन डॉकर दैट अलाउज यू टू यूज मल्टीपल फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल डॉकर फाइल. दिस अलाउज यू टू बिल्ड एन एप्लीकेशन इन वन स्टेज एंड देन कॉपी द आर्टिफैक्ट्स यू नीड इनटू अ सेकंड स्टेज दैट इज यूज्ड टू रन द एप्लीकेशन. This can be useful because it allows you to reduce the size of the final image and ensure that the only necessary components are included. Right. So, यहाँ पे दो build है, एक first build stage है और second run stage है. यहाँ पे in this example explain किया हुआ है कि the first stage builds application and compiles the code. The second stage takes the compiled code and dependencies from the first stage and creates a final image that can be run in production. Okay, तो हमें हमारी डॉकर फाइल मल्टी स्टेज बिल्ड में मिल गई है. फर्स्ट बिल्ड स्टेज है यहाँ पे और सेकेंड स्टेज रन स्टेज है. यहाँ पे कंपाइल होगा और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होगी सेकेंड स्टेज. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी उसने हमें दिया है, वो आप रीड कर सकते हैं. ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हम ये पूरी जो डॉकर फाइल हमने क्रिएट की नोड.js एप्लीकेशन के लिए, वो सेम हम अभी कुबरनेटीज में क्रिएट करेंगे. ओके, तो हम कुबरनेटीज फाइल क्रिएट करेंगे. तो क्रिएट अ k8s डॉक्यूमेंट फाइल फ्रॉम द डॉकर. लेट्स सी क्या हमें वो आउटपुट देता है. फाइल क्रिएट स्टार्ट हो चुकी है डिप्लॉयमेंट की. फाइल क्रिएट हो गई है डिप्लॉयमेंट हमारी. डिप्लॉयमेंट फाइल नेम ऑफ द ऐप रेप्लिका 3 दिया है इसलिए बहुत अच्छा है. बस 3 हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट हो गई. डॉकर फाइल थी ये हमारी कुबरनेटीज की फाइल है. तो इसमें अभी हमें रिसोर्स कोटा ऐड करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे पूछेंगे कि एक्सप्लेन अबाउट कुबरनेटीज यहाँ पे उसने हमें एक्सप्लेन किया है पर तो भी थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें. हम एक्सप्लेन करना पूछेंगे उसे. तो इसने ब्रेक डाउन किया है पूरी फाइल और वन बाय वन वे पूरी फाइल एक्सप्लेन कर रहा है. रेप्लिका स्पेक मेटा डेटा काइंड एपीआई वर्जन. ये सीरियसली जूनियर डेवॉप्स इंजीनियर जो है जो अभी अभी डेवॉप्स सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ही यूजफुल टूल होगा. बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उनको कुछ खुद से बनाना नहीं जाने पड़ेगा यहाँ पे, तभी उसे उनको मिल ही जाएगा. सिर्फ करना क्या है, मैंने पहले भी बोला था कि आपको चेंजेस करने आने चाहिए कि आपकी फाइल कि आपके प्रोजेक्ट आपके इमेज के लिए क्या चेंजेस होगा. तो अगर वो आपको आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे सारे टास्क. तो इसने पूरी फाइल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है. तो यहाँ पे अभी हम सर्विस फाइल के लिए कहेंगे उसे कि वो हमें सर्विस फाइल क्रिएट करके दे. सर्विस फाइल डिप्लॉयमेंट और सर्विस डॉट वाईएमएल दो फाइल होती है. देखते हैं कि हमें कैसे क्रिएट करके देता है सर्विस की फाइल.
आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता डिफरेंस के कुबर सर्विस डिप्लॉयमेंट फाइल या सर्विस में क्या डिफरेंस है, तो हम आगे वो भी पूछेंगे इससे। पहले एक बार ये हमारी सर्विस ऐप सर्विस फाइल बन जाए, के बाद में हम देखेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में। ओके, टारगेट पोर्ट 3000 है और यहाँ पे हमारी सर्विस फाइल क्रिएट हो गई है, एपीआई वर्जन सब ओके। तो यहाँ पे हमने आगे पूछा था कि डिप्लॉयमेंट फाइल की हमें एक्सप्लेनेशन दो, तो यहाँ पे उसने खुद से ही सर्विस फाइल का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, दैट्स ग्रेट। कि हमें अलग से पूछने ही करना पड़ा कि इसका भी एक्सप्लेनेशन दो, तो उसने ये भी फाइल हमारे लिए ब्रेक डाउन कर दी है, दैट्स ग्रेट। आगे पूछ सकते हैं कि प्लेन डिफरेंस मीन डिप्लॉयमेंट फाइल एंड वेट के लिए खत्म हो जाए इसका आउटपुट, फिर बाद में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे उसको। डिटेल में सारा डिस्क्रिप्शन से पूरी सर्विस फाइल का दे रहा है, दैट्स लिटरली ग्रेट। आपके लिए ये बहुत यूजफुल है, हमारे जैसे फ्रेशर्स के लिए। ये आगे क्या करेगा ये वो भी कह रहा है, ग्रेट। ओके, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉयमेंट फाइल एंड सर्विस फाइल, और बाद में हम रिसोर्स कोटा ऐड करेंगे हमारे कुबरनेटीज फाइल में। और बाद में हम कमांड्स भी पूछेंगे कि कैसे हम हमारी कुबरनेटीज फाइल अप्लाई करें, लेट्स सी वो हमें क्या आउटपुट देता है। ओके, तो उसने यहाँ पे हमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है दोनों फाइल्स का, डिप्लॉयमेंट और सर्विस फाइल्स। ओके, तो लेट्स सेट रिसोर्स कोटा, तो ऐड सारी रिसोर्स कोटा डिप्लॉयमेंट अबाउट डिप्लॉयमेंट फाइल। लेट्स गो, बहुत अच्छे अच्छे आउटपुट दे रहा है हमें, परफेक्ट और क्लियर। हाँ, कुछ चेंजेस तो हमें करने ही पड़ेंगे, पर बहुत कम हो जाएगा हमारा काम इससे। हमें कुछ सिंटेक्स या कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली हमें दे ही देगा, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे हमें क्या प्लेस करना है, और चेंज भी यही करके देता देता है, तो हमें सिंटेक्स का भी कुछ इश्यू नहीं होगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे स्पेस हुई, यहाँ पे नहीं लगानी है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है चैट जीपीटी का, कि आपको कुछ बहुत याद नहीं रखना पड़ेगा, ये चैट जीपीटी हमारे लिए सब करके देगा। तो यहाँ पे उसने पूरा रिसोर्स कोटा का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो लेट्स सी के रिसोर्स कोटा। ओके, तो यहाँ पे वो ऐड हुआ है रिसोर्स कोटा, दैट्स ग्रेट। मेमोरी सीपीयू रिक्वेस्ट, ओके ओके। तो आगे हम पूछेंगे कि ये सारी डिप्लॉयमेंट फाइल सर्विस फाइल हम कैसे अप्लाई करें, तो हाउ टू अप्लाई अप्लाई एंड सर्विस फाइल, तो देखते हैं कि हम क्या आउटपुट देता है इसमें। अभी सीटीएल से ओके, फर्स्ट कमांड डिप्लॉयमेंट फाइल का अप्लाई करने का कमांड दिया है और सर्विस फाइल का भी दिया है, और क्यूब सी टी एल अप्लाई कमांड ही हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्चुअली क्या है, कैसे वर्क करेगा। ओके, तो उसने स्टेटस चेक करने का, डिप्लॉयमेंट स्टेटस चेक करने का भी कमांड दिया है कि यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ द डिप्लॉयमेंट इन सर्विस यूजिंग द फॉलोइंग कमांड्स। तो
यहाँ से हम स्टेटस चेक कर पाएंगे डिप्लॉयमेंट का, और इस कमांड से हम सर्विस फाइल का स्टेटस चेक करेंगे. दैट्स ग्रेट. तो ऐसे हम कुबरनेटीज फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके उसमें चेंजेस कर सकते हैं. और कुछ भी डाउट हो आपको कि आपको नहीं पता चली फाइल, तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं कि वो हमें एक्सप्लेन करो आपकी ये क्या है और कैसे अप्लाई करें. और ये सभी टास्क आपके लिए चैट जीपीटी करेगा, तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है. द बेस लाइन इज दैट कि आपको आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने आने चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या यूजफुल है. तो आप क्या चेंज जीपीटी को करने को बोलो, तो जीपीटी का चेंज तो करके देगा, पर क्या चेंज करना है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए. दैट्स इट. ओके, तो आगे हमने डॉकर फाइल क्रिएट की थी एक एप्लीकेशन के लिए, और सेम एप्लीकेशन के लिए हमने कुबरनेटीज फाइल भी जनरेट की. ठीक है, तो अभी वो कुबरनेटीज फाइल के लिए हम एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे जेंकिंस थ्रू. तो लेट्स राइट नाउ, राइट अ जेंकिंस फाइल फॉर द कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन इंक्लूडिंग द अबाउ डिप्लॉयमेंट फाइल पर इस ओके okay. हमें दे रहा है पूरी CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करके. फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कोड, क्रेडेंशियल्स और सब ये दे रहा है यहाँ पे गिट के. लेट्स वेट, साथ में हम देखेंगे पूरी फाइल. ओके, एक्सप्लेन भी कर रहा है पूरी फाइल कि क्या है फाइल में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने गिट यूज किया है यहाँ पे. हम नीचे जाके यहाँ पे जनरेट कॉन्फ़िगरेशंस, फिर सारा फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कोड, द कोड फ्रॉम द गिटहब रिपोजिटरी इज चेक्ड आउट. देन बिल्ड डॉकर इमेज, डॉकर इमेज हम क्रिएट करेंगे. देन पुश करेंगे वो इमेज को एंड लास्टली डिप्लॉय करेंगे कुबरनेटीज. ओके, तो हमने यही मांगा था जीपीटी से, तो उसने ये सेम आउटपुट दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेकआउट करेगा कोड, फिर बिल्ड करेगा डॉकर इमेज, फिर पुश करेगा डॉकर इमेज, और लास्टली वो डिप्लॉय करेगा कुबरनेटीज क्लस्टर में. दैट्स ग्रेट. ओके, तो आगे हम क्या करेंगे कि हम हमारा डॉकर लॉगिन है उसका भी कुछ ऐड करेंगे. तो लेट्स सी. ओके, तो अब हम डॉकर लॉगिन ऐड करेंगे डॉकर बिल्ड स्टेट्स में. तो लेट्स टेल दैट ऐड अ डॉकर लॉगिन पार्ट इन द बिल्ड डॉकर बिल्ड स्टेज, डॉकर बिल्ड स्टेज इन द Jenkins line okay. लेट्स सी कि वो जैसे गिट में उसने ऐड किया है वैसे वो डॉकर का भी ऐड करता है या नहीं. बहुत कुछ सारे यहाँ पे गिट में उसने क्रेडेंशियल्स और सब यूआरएल और सब. आपको यूआरएल ऑफ कोर्स यहाँ पे तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने गिटहब अकाउंट के लिए. लेट्स सी कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे. ओके, तो
तो यहाँ पे उसने अभी डॉकर पुश और डॉकर बिल्ड का जो स्टेज था वो कंबाइन कर दिया है। आगे उसने डिफरेंट स्टेजेस रखे थे दोनों के लिए। यहाँ पे उसने क्रेडेंशियल्स ऐड किए हैं जो हमने बोला था उसे ऐड करने का। लेट्स चेक इट वंस कि उसने कैसे ऐड किए योर क्रेडेंशियल्स और यूआरएल। ग्रेट। तो यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स, हमने बोला कि लॉग इन ऐड करो डॉकर हब में। सेम हम कुबरनेटीज में भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम डॉकर हब से लॉग इन कराते हैं। ओके, लेट्स सी, उसने पूरा जनरेट कर दिया है आउटपुट यहाँ पे। ओके, लेट्स कॉपी द सेम क्वेश्चन और अब हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे डॉकर हब लॉग इन कर देते हैं। एड अ डॉकर हब लॉग इन पार्ट इन द डॉकर स्टेज कि वो हमें क्या आउटपुट। पहले तो गिट का पूरा, फिर नेक्स्ट स्टेज बिल्ड। वेरी गुड। तो यहाँ पे उसने हमें डॉकर हब का भी यूजर नेम पासवर्ड, डॉकर लॉगिन भी उसने यहाँ पे हमें कमांड दे दिया, ऐड कर दिया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे भी उसने सेम हमारा डॉकर हब यूजर नेम और डॉकर हब पासवर्ड का कमांड यहाँ पे दे दिया। ओके, तो आगे अब हम है ना ये बिल्ड और जो पुश दोनों जो स्टेज है ना वो डिफरेंट करेंगे। जैसे पहले था ना, जब आया था हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जेंकिंस पाइपलाइन क्रिएट होके, तो चार स्टेज दिखाए थे हमें। तो बाद में उसने ये पुश और बिल्ड सेम में कर दिया, सेम स्टेज में ज्वाइन कंबाइन कर दिया, पर अब हम सेपरेट करेंगे। तो लेट्स से दैट डेट हाँ डॉकर बिल्ड एंड डॉकर द अबाउ मीन्स टाइम अपडेटेड वर्जन ऑफ द जेंकिंस वेयर विद सेपरेट स्टेजेस हैं। ये सेपरेट करता है यानी यहाँ पे लिखा है इसे वो सेपरेट करेगा। ग्रेट। ओके, तो पुश करने के लिए हमें लॉगिन चाहिए, तो उसने बिल्ड स्टेज में हमारा डॉकर बिल्ड कमांड दिया और फिर यहाँ पे डॉकर लॉगिन करके फिर हमारे गिटहब डॉकर हब अकाउंट में वो पुश करेगा हमारी इमेज। ओके, तो हम अब है ना कॉन्फ़िगरेशन कुबरनेटीज में भी ऐड करेंगे पैरामीटर। ऐड अ पैरामीटर इन द पर एट द कॉन्फ़िग पैरामीटर 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 इन द कुबरनेट स्टेज इन द अबाउ जेंकिंस पाइपलाइन अपडेटेड वर्जन द कॉन्फिग पैरामीटर इन द डिप्लॉयमेंट फाइल ऑफ आर कुबरनेटीज टीम। देखते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पे पैरामीटर्स का सेज उसने ऊपर ऐड किया है। एनवायरनमेंट टू डिप्लॉय द ऐप डॉकर पुश यहाँ पे वो ग्रेट। यहाँ पे भी उसने कॉन्फ़िग पैरामीटर ऐड किया है। ग्रेट।
तो उसने चेंजेस हमें परफेक्ट करके दिए हैं। और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है क्या चेंजेस किए हैं उसने और क्या है ये फाइल में। हमारे फोर्थ स्टेजेस चेकआउट, बिल्ड, पुश और डिप्लॉय। इस कॉन्फ़िगरेशंस कुछ डिफरेंट तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऐड क्यूब कॉन्फ़िग कुबरनेटीज़ फ्रॉम द जेंकिंस पाइपलाइन। देखते हैं कि अब वो क्या चेंज करके हमें देगा। ओके तो यहाँ पे लूप कॉन्फ़िग में उसने ये पूरा कमांड डाल दिया, रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स गेट चेकआउट स्टेज बिल्ड स्टेज डॉकर बिल्ड कमांड पुश डॉकर अब लॉगिन पार्ट लास्टली अब डिप्लॉय पार्ट होगा। ओके यहाँ पे ने ऐड कर दिया लूप कॉन्फ़िग स्टेट। तो आगे अब हम स्लैग नोटिफिकेशन ऐड करेंगे इसमें हमारे सी आई सी डी पाइपलाइन में नोटिफाई करने के लिए हमारी बिल्ड सक्सेस हुई है या फेलियर हुई है, उसके लिए हम स्लैक नोटिफिकेशन ऐड करेंगे। ओके तो इसे यहाँ पे हमें इस पूरा आउटपुट दे दिया है लूप कॉन्फ़िग से। एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे एनवायरनमेंट ने ऐड किया है क्यूब कॉन्फ़िग, बाकी स्टेजेस सेम है डॉकर अब लॉगिन और लास्टली डिप्लॉयमेंट, और उसने यहाँ पे भी उसने ये सेम यूज़ किया। दैट्स ग्रेट। ओके तो हम अब स्लैक नोटिफिकेशन ऐड करेंगे, तो ऐड अ स्टेज ऑफ स्लैक नोटिफिकेशन एल टीम टू नोटिफाई बाय द मेंबर्स नोटिफाई द टीम अबाउट द बिल्ड स्टेटस अबाउट लेट्स सी के क्या ऐड करता है। ओके यूज़ द अपडेटेड वर्जन ऑफ जेंकिन फाइल्स विद द स्लैक नोटिफिकेशन एडेड स्टेज। लेट्स गो एंड चेक। यहाँ पे वेबबुक का यूआरएल भी इसने वेरिएबल में स्टोर किया है, बाद में सेम हमारा हमारे डॉकर के बिल्ड पुश स्टेजेस और लास्टली कुबरनेटीज का डिप्लॉयमेंट। ओके ग्रेट। तो इसने यहाँ पे हमें स्लैक नोटिफिकेशन का स्टेज ऐड करके दिया है। तो इसने हमें स्लैक नोटिफिकेशन का स्टेज लास्ट ऐड करके दिया है। दोनों है सक्सेस और फेलियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जावास्क्रिप्ट में है और फर्स्ट है सक्सेस। सक्सेस होगा तो ये पार्ट रन होगा पूरा। यहाँ पे सब बिल्ड नंबर और सभी दिया है। लेट्स चेक सी यहाँ पे जॉब नेम और सभी बिल्ड नंबर और जॉब नेम सक्सीडेड। अगर सक्सेस हुआ हमारे बिल्ड का तो ये पार्ट रन होगा, और नेक्स्ट अगर फेलियर हुआ तो एल्स पार्ट में जाएगा, वो एल्स पार्ट रन करेगा इज फेल्ड। ये जॉब नंबर बिल्ड नंबर ऑफ जॉब नेम हमारा और वो फेल हो चुका है।
दैट्स ग्रेट, उसने पूरा परफेक्ट आउटपुट दिया है हमें. हमने हमें हमने बोला था कि बिल्ड स्टेटस का हमें नोटिफिकेशन चाहिए, तो उसने सक्सेस और फेलियर दोनों प्रिंट करके हमें दिया है, और वो भी मिनटों में. हम अगर ये करने बैठे तो हमें देर लग जाएगी करने में. तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. कोई भी स्टेज अगर ऐड करना हो, डिलीट रिमूव करना हो, कंबाइन करना हो, तो आप चैट जीपीटी के थ्रू बहुत इजीली कर पाएंगे. मैंने पहले भी बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा पार्ट ऐड करना है और कौन सा पार्ट रिमूव करना है. तो अगर वो आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. पूरा आपका डेवॉप्स का सभी टास्क बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए. ओके, तो ऐसे आप डॉकर फाइल क्रिएट कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन के लिए. फिर आप कुबरनेटीज फाइल भी बना सकते हैं आपके लिए. डिप्लॉयमेंट सर्विस डॉट वाईएमएल सभी फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और आप सीआईसीडी पाइपलाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं. और मेरे आपके अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं कि आपको कुछ पार्ट चाहिए, कुछ पार्ट नहीं चाहिए, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ डिलीट करना है या रिमूव करना है आपके फाइल में. तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप आपके लिए आपके प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. तो आपको डिफरेंट वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाएगा चैट जीपीटी के थ्रू. तो ये बहुत ही एक एडवांटेज है इसका. आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको आउटपुट इजीली दिखेंगे आपके, और कुछ ही मिनटों में दिखेंगे. आपको ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ चेंजेस करके अपने साइट से रन करना है आपका प्रोजेक्ट. तो आपका डिवॉप्स सारे टास्क आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, तो अब हम यहाँ पे बैश स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे चैट जीपीटी के थ्रू. तो देखते हैं कि वो कैसी स्क्रिप्ट हमें जनरेट करके देता है. तो हम स्क्रिप्ट यूँ जनरेट करते हैं क्योंकि हमें अगर रिपीटेटिव टास्क अगेन एंड अगेन नहीं परफॉर्म करना है तो एक हम स्क्रिप्ट जनरेट कर देते हैं. तो देखते हैं कि कैसी स्क्रिप्ट हमें चैट जीपीटी देता है. फर्स्ट क्रिएट अ बैश स्क्रिप्ट डिटेक्ट माउंटेड डिस्क. स्क्रिप्ट टू डिटेक्ट माउंटेड. लेट्स सी वो कैसी स्क्रिप्ट जनरेट करता है. ग्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये पूरी हमारी जो डिस्क है वो लिस्ट की है, फिर लूप चलाया है उसमें, और फिर देन इफ एल्स यूज करके माउंटेड है तो ये, और एल्स में माउंटेड नहीं है तो ये. नीचे पूरा उसने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये स्क्रिप्ट क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. तो नेक्स्ट हम बैश स्क्रिप्ट क्रिएट अ बैश स्क्रिप्ट मेक डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इन द डायरेक्टरी. लेट्स सी कि वो क्या लॉजिक लगाता है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने खुद से एक पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट की है. फिर नेक्स्ट इज कि उसने पेरेंट डायरेक्टरी में जाके कुछ और डायरेक्टरीज क्रिएट की है, और उस सारी डायरेक्टरीज में एक-एक फाइल क्रिएट की है. तो अगर आपको डायरेक्टरीज या फाइल्स क्रिएट करनी है एक साथ में ज्यादा, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा कि एमकेडीआई या एमकेडीआर. इसके लिए अच्छा ऑप्शन वो है कि आप एक स्क्रिप्ट बना के ऐसे रन कर दो, तो आपकी पूरी जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी. ओके, तो ऐसे आप अपने डेवॉप्स के टास्क परफॉर्म कर पाएंगे चैट जीपीटी के थ्रू. अब आप डॉकर फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कुबरनेटीज, जेंकी, इन सब बहुत कुछ कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू. उसके पास बहुत डेवॉप्स का नॉलेज है, डेवॉप टेक्नोलॉजी का नॉलेज है. तो अगर आप जूनियर लेवल पे हैं तो आपको चैट
चैट जीपीटी थोड़ा कम यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी को के पास सब जनरेट करवा लेंगे तो आपका लॉजिक डेवलप नहीं होगा। तो ट्राई करें कि आप पहले खुद से करें और फिर जनरेट करें यहाँ से कोड, तो वो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप सीनियर डेवऑप्स है तो आपने ऑलरेडी वर्क किया ही होगा सब पे, आपको क्रिएट करना आता ही होगा सब कुछ परफेक्टली, तो आपको चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका टाइम मैनेज होगा, आपका टाइम कम हो जाएगा, आपके जो टास्क है वो एकदम फास्ट हो जाएंगे। तो चैट जीपीटी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो ऐसे हम चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं हमारे डेवऑप्स के लिए। और लास्टली आपको नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं कोई भी फील्ड के लिए, मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की, तो आप जो भी हम डेवऑप्स कर रहे थे तो हमको थोड़ा नॉलेज होना ही चाहिए कि जो चैट जीपीटी आपको आउटपुट जनरेट करके देगा वो सही है या नहीं है, वो आपको पता चलना चाहिए। और आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने भी आने चाहिए, आपको रखना है क्या नहीं रखना है वो आपको सब पता होना चाहिए, और 100% आप उसके रिजल्ट्स पे नहीं डिपेंडेंट कर पाएंगे। और लास्टली ये सिंटेक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, सब चैट जीपीटी के पास स्टोर्ड ही है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है सभी फील्ड्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ प्रेजेंट डे अहेड।